आज एचएमएच कप के स्टार्ट से पहले हम पॉइंट्स टेबल पे नजर डालेंगे, और पॉइंट्स टेबल पे नजर डालने से पहले मैं जैक्स की तरफ मुतवज्जो हो जाऊं कि जैक्स, आप लोगों को मैं शुरू से बता रहा हूं कि आप ना सिर्फ पॉइंट्स दे सकते हैं बल्कि माइनस भी कर सकते हैं जो आपने जीते हैं। आप लोग सिर्फ दिए चले जा रहे हैं, तो ये बात याद रखिएगा कि नेगेटिव भी कर सकते हैं। और आपने स्ट्रेटेजिक डिसीजन लेने कि जो अगला खेल रहा है कहीं आपसे ऊपर तो नहीं है, तो उनके नेगेटिव कर दें ताकि वो आपसे नीचे आ जाए और आप ऊपर आ जाए। वक्त आ चुका है एचएमएच कप खेलने का। बहुत शुक्रिया आज ये बताने का, आज ये इंफॉर्मेशन देने का, बहुत नवाज जी। पॉइंट टेबल पे नजर डालते हैं और देखते हैं आज भी मैच किसका है। सबसे पहले पॉइंट टेबल, सबसे ऊपर उस्मान मजर, फिर रजाक भाई, सुनील भाई, फिर मरियम, फिर हाँ। ये मेरी लास्ट जब मैंने देखी तो 140 थी, अब 130 हो गई है। 1.30 आपकी एवरेज थी, क्योंकि लास्ट टाइम जब आपने देखा तो उसमें वो वाले डिप्रिसिएशन लग रही है इस पे। हाँ, मैं हार गई थी इसलिए 10 एवरेज कम, सीधा 10 ही कम हो गए। जीतने मुझे नंबर ऑफ मैचेस बढ़ गए ना, इसलिए एवरेज कम हो गई। ठीक है, अब ऐसा है कि आज मुकाबला किसका है वो दिखाइए। आज है मुकाबला हिरा यानी पेशावर वर्सेस मुल्तान। मैच शुरू किया जाता है एचएमएच कप का पहला राउंड 360 डिग्री, तुक्के मारने एहतियात से, नरम मिजाजी से, प्यार से, तबस्सुम से। दिखाइए, पीएसएल की तारीख में सबसे ज्यादा सिफर पर आउट होने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी के पास है और कितनी बार, ये भी बताना जरूरी है। हाँ, आप नंबर बता दो, छोड़ो नंबर बताओ, कितनी बार आउट हुआ है सबसे ज्यादा डक पे आउट होने वाला। पीएसएल में सबसे ज्यादा डक पे आउट कौन हुआ है? कामरान अकमल। भाई मुझसे नहीं पूछना, नहीं, बताना है मुझे। कामरान अकमल कितनी बार, कितनी बार हुई? 12 बार। खुशदिल शाह, नाम छोड़ दियो, तुसी नंबर दो। 6 बार, 6 कम नहीं, नाम बताना जरूरी है। आप सिर्फ नंबर बताएं ना, सबसे यही तो नंबर बता दे। हाँ, 12 6 इन्होंने कहे, इन्होंने 12, उन्होंने 6, 12 6 13 13 दिखाओ बेटा, 12 बार इमाद वसीम, बहुत आला भाई, बहुत आला। मैं कायनात को मिले 10 नंबर और आप सबको सरकार में रिडीम करेंगे। जीरो में बड़ा खुश हूं। जीरो। अगली, 1 से 1000 के दरमियान कितने प्राइम नंबर आते हैं? 1 से लेकर 1000 के दरमियान। भैया आप में से कोई लड़का जानता हो तो आप पूछूंगा। सबसे पहले मैथ विजिट उस्मान मजर, मैच है जबकि हिरा का। हिरा, अब आपने लिए थे, बताइए। उधर ध्यान नहीं सुनाई, 200 नहीं, इतने होंगे। जितने नंबर आगे जाते रहते हैं प्राइम नंबर की तादाद कम होती जाती है। बहुत सही बात, बहुत अच्छी बात। क्या बात की है? 200 का फिगर आया भाई। हाँ जी, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर वो जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं और वन के टेबल में आते हैं। 201 ज्यादा है, बहुत एहतियात, एहतियात सही है। 201 बहुत ज्यादा, 200 से कम होगा। 199 190 मेरे हिसाब से तो 100 होना चाहिए। प्राइम नंबर दिखाइए कितने होते हैं। 168 सुनील भाई, वाह 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 वाह, क्या बात है भाई, पढ़ना हूं मैच तो आ जाना। हां जी, यू लिसन टू 200 के एडिशन ले लो, 100 बोला है, 100 यू लिसन टू मी, मैच एडिशन वापस ले लो। तो कौन के किंग सुनील मंच, सही सही, वाह सुनील भाई वाह, हमारे पास आए, कमाल कर दिया की बात है। हां, ये सबसे ज्यादा हैवी वेट उठाने का रिकॉर्ड कितने किलोग्राम का है? सबसे ज्यादा भारी किसने किसने वजन उठाया? आप वहां से आए, डेडलिफ्ट। हाँ, डेडलिफ्ट। कायनात मुल्तान 700 kg, 1000 kg, 1000 kg, 500 आप भी उठाते रहते, 700 कर लेते हैं, नहीं नहीं 500 kg डेडलिफ्ट में आप कितना उठा लेते हैं रजाक भाई? 700 उठा लेते हैं आप? नहीं नहीं, मैं नहीं उठाता। आप नहीं उठाते, आप किसी भी में नहीं आ पा रहे। दिखाओ, हजार हो गया, 500 kg। वक्त आ चुका है बॉलें आइडेंटिफाई करने का, माइक्रो प्रेजेंट्स, ईगल आए, बजर राउंड, बजर पे उंगलियां। आपने सही गेंद पहचाननी, बड़ा आप लोग भी हेल्प कर सकते हो गेंदे पहचानने में। दिखाओ, रजाक भाई पहले, सी कायनात चैलेंज कर रही हैं। ए ए ए ए बोलो, ना बोलो, ना बोलो, बी ना बोलो, ये कायनात क्या कह रहे हैं? वो बी कह रहे हैं, मकार लग रहा है, ये तो नहीं हो सकता। चलिए एक आखिरी सुन रही हूँ उनकी, बी बी गया, मकार आखिरी सुन रही हूँ। दिखा बेटा, सी क्राउड क्या भी रहा था, सुनील भाई वाह, सही सही जाने दो, रजाक भाई को खेलने दो, अब नहीं खेलेंगे। अगला दिखाइए,
एज यूजुअल अब्दुल रजा सी सी नो नो चैलेंज नहीं बहुत सेफ खेलेंगे बहुत सेफ दिखाओ बेटा बी माइनस माइनस 10 पहेलियों की बारी आ चुकी है सुनील भाई बजर पे आप रख लो अपनी उंगलियां रिप्लेस कर लो रिडल मी दिस दिखाइए क्या पहेली है मैं रोज शेव करता हूँ फिर भी मेरी दाढ़ी लंबी है बताइए कैसे हेड शेव करता हूँ सर शेव करता हूँ हमने इकट्ठे बजर दबाया था हमने इकट्ठे बजर दबाया उन्होंने अच्छा देखिए आपने आपको चैलेंज कर दो देखो इसके अंदर बहुत सारी चीजें हो सकती हैं पहेली के जवाब जो हमारे पास होगा वो ही आंसर सही माना जाएगा ये तो डिक्टेटरशिप हो गई ये क्या बात हुई ये कैसे हो गया भाई ये क्या बात हुई ना ना हम नहीं मानते भाई ये ना ही नहीं मानता भाई वो रोज हमने हाँ क्या कह रहे हैं हमने चैलेंज कर दिया ये ना ही है चैलेंज कर दिया मैं रोज सेव करता हूँ मगर मेरी दाढ़ी लंबी है ना ही है बार बार है ठीक है दिखाओ बेटा बार बार क्योंकि मैं एक अजाम हुआ मेरे वाले जवाब में क्या गलती है आपके जवाब में ये गलती है कि वो यहाँ नहीं है ये अजीब सी बात है ये तो डिक्टेटरशिप होगी ना माइनस 10 कोई माइनस 10 नहीं होगा आगे धरना दे दे भाई धरना दे दे ये क्या बात होगी इनका लॉजिकली हमारा जवाब बिल्कुल शेव तो कुछ भी कर सकते हो ना इसका हल है मेरे पास इसका हल माइनस कैसे कर समय में दे मेरी बात तो सुनो इसके पास मेरा हल है इस चीज का हल है मेरे पास अगला सवाल नहीं सिंगल पर्सन ऑन बोर्ड हाउ इज दैट पॉसिबल क्योंकि आपने बजर आपने दबाया पहले हाँ क्योंकि बोर्ड की बात ऊपर हो रही है और नीचे बोर्ड की बात हो रही है नहीं नहीं बोर्ड के ऊपर जब चढ़ जाते हैं तो कहते हैं बोर्ड कर लिया ऑन बोर्ड अच्छा अच्छा इज इन द सिंगल पर्सन बोर्ड यू सी अ बोर्ड दबा के सवाल को वो क्लियर नहीं करना होता जवाब देना होता यू सी अ बोर्ड फिल्ड विद पीपल भाई देयर इज क्या है मल्टीपल बोर्ड उन्होंने बोला मल्टीपल देयर इजंट अ सिंगल पर्सन मतलब एक से ज्यादा लोग हैं हां सही कह रहे हैं कोई इंग्लिश में नहीं बोलेगा सब उस्मान भाई जैसे हैं सिंगल सब शादीशुदा है पहले बोला सब सारे शादीशुदा है दिखाओ हमारे पास वापस करो ऐसे वाले आपसे देखो आंसर देने से पहले कहा जो मेरी बात सुने आपने हिंट दे दिया हमारा जवाब ठीक था हिंट दे दिया ना आपने खत्म हो गया हमारा पहला सवाल जो आप दिया था हमारा जवाब बिल्कुल ठीक था ना ये आपने हिंट दे दिया ना सवाल ही खत्म हो गया मैं देखिए बात सुन मैं आप सबके एतराजात पर वैसा बिहेवियर दिखाऊंगा जैसे हुकूमत दिखाती है okay. मैं आपको शोर करने दूंगा और मैं ब्रेक ले लूंगा खबर वक्त एक छोटे से ब्रेक कर लीजिए वापस आइए हार रहा है कहीं नहीं जाएगा